हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 ऑल्ट कॉइन जो मेरी लिस्ट में हैं और जिनको अगर अभी आप होल्ड कर लेंगे तो आप एक अच्छा खासा मुनाफा उनमें से निकाल सकते हैं आने वाले कुछ ही टाइम में। और सारी वीडियो में हम पाँच पूरी वीडियो में हम पाँच और पाँच टोकन्स के बारे में बात करेंगे। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी ही वीडियोज़ में लाता रहूँगा और आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने कॉइन की तरफ। तो जो मेरे पास कॉइन है उसको में है हारमोनी। इस कॉइन को मैंने पाँचवें नंबर पर रखा है लिस्ट में, हारमोनी या ONE1 जिसे कह सकते हैं हम। और ONE1 यानी कि हारमोनी जो है बेसिकली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इनकी टीम जो है बहुत, अगर हम टीम के बारे में बात करेंगे तो इनकी टीम काफ़ी टेक जो है टेक ही बैकग्राउंड से है, और अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन जगहों से ये सब बनते निकले हुए हैं। तो फिर टीम बहुत ही सॉलिड है अगर टीम की बात करी जाए तो। और ये एक अच्छी खासी कम्युनिटी को भी हेल्प कर रहे हैं अपना NFT मार्केट प्लेस वगैरह बनाने के लिए। आप देख सकते हैं चार्ट में 2 सेकंड ब्लॉक इनका, एक 2 सेकंड 1 ब्लॉक। और यहाँ पर अगर इथेरियम का हम देखें तो इथेरियम पे 6 मिनट 25 ब्लॉक्स। तो ये जो है इनकी ट्रांजेक्शन की जो स्पीड है ऑब्वियसली ज़्यादा, और ट्रांजेक्शन फीस अगर यहाँ पर देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.0001 यानी करीब करीब आप देख सकते हैं कि इनसे 100 गुना से भी ज़्यादा कम इनकी फ़ीस लग रही है। तो ये सारे फीचर्स हैं। और अगर मैं कॉइन मार्केट कैप पे अभी लेकर जाऊँ, अभी जो प्राइस चल रहा है वो है करीब 8 सेंट के आसपास चल रहा है। जो हाई गया है इनका वो 23-22 सेंट के आसपास गया है। और अभी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैं चाहूँगा इसको आप पार्ट्स में भी बाय करें, अभी थोड़ा बाय कर लें। उसके बाद अगर नीचे ये लास्ट जो वीक देख रहे हैं कैंडल की, अगर यहाँ तक 6 सेंट 5 सेंट तक आपको आए तो आप दोबारा बाय कर सकते हैं। आप उसको पार्ट्स में बाय कीजिए और एक अच्छा प्रोजेक्ट है, कम से कम 2-4 महीने भी अगर होल्ड करके रख लेंगे तो आपको 2x 3x तो मुझे उम्मीद है की देगी। हाँ, हालांकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। क्योंकि इस जो इनके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह, अगर मैं ट्विटर पर इनको जाके देखूँ तो आप देखिए 15 घंटे पहले ट्वीट आया हुआ है इनका, और 2 घंटे पहले भी वी आर टीमिंग अप विद पिटमार्ट के साथ ही कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो फिर आप देख सकते हैं टीम कितनी एक्टिव है और कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो फ्यूचर में हम ऑब्वियसली देख सकते हैं कि अच्छा कुछ ना कुछ पंप हमें अच्छा ज़रूर देखने को मिलेगा इस कॉइन में। तो ये था 5वें नंबर पर जिसे मैंने रखा था अपना हारमोनी ONE1 टोकन को। अब आ जाते हैं जी हम 4थे नंबर पर, हमारे पास कौन सा टोकन है 4थे नंबर पर है हमारे पास EOS टोकन। अब आ जाते हैं जी हम 4थे नंबर पर, हमारे पास कौन सा टोकन है 4थे नंबर पर है हमारे पास EOS टोकन। EOS टोकन अगर हम देख लेंगे अभी प्राइस जो चल रहे हैं $4.99, और अभी 12 सेंट नीचे आज के अगर मार्केट की मैं बात करूं तो ये देख सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस अभी 32,800 के आसपास चल रहे हैं। मार्केट करीब करीब 14-15% डंप हुआ है, तो सारे ऑल्ट कॉइन भी ब्लीड कर रहे हैं। तो US की भी अभी अच्छी बाइंग है, अगर यहाँ से आप अगर इसको एक्यूमुलेट कर पाएँ कुछ, अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाके इसका चार्ट दिखाऊं तो अभी हम देख सकते हैं 4.92 डॉलर के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप इसको एक्यूमुलेट कर पाएँ और कुछ पार्ट में अगर ले सकते हैं, बाकी थोड़ा बहुत नीचे आने का भी मैं कहूँगा कि $4 के आसपास अगर ये आ जाए तो आप यहाँ पर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, यहाँ से इसको एक्यूमुलेट करें। और अगर आपको फिर भी रिस्क नहीं लेना तो पार्ट्स में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अभी कीजिए, उसके 2 या 3 पार्ट में इसको बाय कीजिए और होल्ड कीजिए। तो ये था हमारा टोकन जो था 4थे नंबर पर हमने रखा था। अब 3रे नंबर पर जो है इस लिस्ट में 5 में से 3रे नंबर पर जो ये टोकन आया है ये है द ग्राफ। द ग्राफ के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, या GRT जिसे टोकन का अगर मैं दिखाऊँ आपको तो GRT टोकन है। और GRT टोकन इनका बेसिकली जो GRT का काम है वो है कि भाई आपको जो है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन वगैरह बिल्ड करने में ये हेल्प करते हैं। और ग्राफ एक्चुअली मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो ग्राफ जो है बेसिकली डेटा जो है अपने डेटा फेचिंग के लिए, और जो ट्रीज वगैरह ग्राफ्स, अगर किसी लोगों जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा कि कैसे डेटा की अरेंजमेंट करी जाती है डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो बेसिकली ये जो ग्राफ का इनका कॉन्सेप्ट है, ये जो है ब्लॉकचेन पे जितना डेटा है वो एक्सेसिबल कराना चाहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वे में। जैसे कि मान लो किसी पे उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे हम पता चलेगा कि कौन से टोकन पे कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है। और कुछ कुछ कंपनी ऐसी हैं
जो क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन अगर आपको जाननी है, आपको डेटा चाहिए कि कहाँ कहाँ कितनी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, कैसे कैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ का वेल्स किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइप का डेटा लेने के लिए काफ़ी काफ़ी पैसे चार्ज करते हैं। और ये जो है ग्राफ का जो इनका जो कंसेप्ट है वो यही है कि ये चाहते हैं कि हर कोई इसको डेटा को एक्सेस कर पाए अच्छे से। और अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूनिस्वैप, आवे, ये सारे इनके साथ ऑलरेडी इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है। और अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूनिस्वैप, आवे, ये सारे इनके साथ ऑलरेडी इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है। ये अपने डेटा के लिए इसी को, अपने जो है ग्राफ को यूज़ करते हैं। कोड वगैरह अगर आप देखना चाहें तो गिटहब पे भी इनका कोड अवेलेबल है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और मेरे हिसाब से जितने भी क्योंकि डेटा आप हर जैसे कंपनी अगर हम देखा जाए अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम कुछ सर्च करते हैं, पता चलता है थोड़े टाइम बाद हमें उसी चीज़ के ऐड दिखने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता लग जाता है कि डेटा कितना इम्पोर्टेंट है। और इनका जो कंसेप्ट है वो मतलब बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी है और एक इनोवेटिव तरीके से ये लोग अब इसको डेटा को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। और अगर आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम पे एक अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा रिटर्न आप लोगों को दे सकता है। और अगर अभी हम आके इसके देखें तो 10% डाउन है, 69 सेंट पे आपको मिल सकता है। यहाँ पर कुछ एक्यूमुलेट कीजिए जैसे कि बाकी के, क्योंकि अभी मार्केट का जो है थोड़ा ट्रेंड बेरिश, हम कह सकते हैं बेरिश में है। प्राइस काफ़ी, कुछ छोटी मोटी न्यूज़ आ जाती है तब भी प्राइस नीचे जाने लगते हैं। तो आप पार्ट्स में बाय कर लीजिए क्योंकि अब फिर हो सकता है आपको मौका मिले ना मिले इन प्रोजेक्ट्स को इतने कम पैसों में खरीदने का। बट ऐसा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपके पास लगता है आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन लेके इन्वेस्ट मत करना, उधार मांग के इन्वेस्ट मत करना। अगर आपके पास पैसा है, पैसा पड़ा है USDT में पड़ा है, तो आप कुछ कुछ दो या तीन पार्ट्स में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बहुत ही सॉलिड है, कोई डाउट नहीं है मेरे मन में इसकी तारीफ करने में। और इसी लिस्ट में अब हमारे चौथे नंबर पर, मतलब ये तो रखना पड़ेगा इस बार, ट्रॉन। ट्रॉन मतलब कमाल ही कर रहे हैं। जस्टिन सन के बारे में तो वैसे ही सब लोग जानते हैं, इतने एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे। और कुछ ना कुछ कोलेबोरेशन, कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें, अपनी इनोवेशन और कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ इनके उस पर चलता ही रहता है ऐसा समझ लो थोड़ा। हाँ हालांकि ये थोड़े बदनाम है अपने मैनिपुलेशन वगैरह करने के लिए किसी टाइम पे, बट अब मुझे लगता है कि ट्रॉन जो है असल में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें ला रहा है जिसे हमें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनका लॉन्च पैड जो अभी ट्रॉन पैड जो लॉन्च हुआ है, लॉन्च होने वाला है, वो ट्रॉन पैड लाए हैं अपना लॉन्च पैड, जिस पर आइडियोज़ वगैरह ये लॉन्च करेंगे। और उसके बाद ट्रॉन के बारे में तो वैसे जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो नई चीज़ मैंने बता दी, बाकी तो सबको पता ही है कि कितनी इनकी लो ट्रांजेक्शन फीस होती है, कितनी फास्ट ब्लॉकचेन है, वो सब रीज़न तो है ही है। साथ में जो नए नए अपना अभी अपना NFT मार्केट प्लेस भी लेकर आने वाले हैं, तो ट्रॉन डेफिनेटली एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा इन्वेस्ट करने के लिए। ये जो चार पांच चीज़ें मैंने आपको बताई ये इससे प्राइस प्रिडिक्शन हम पक्का हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हम देख सकते हैं ट्रॉन में। बाकी जस्टिन सिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो आई होप कि कुछ अच्छा हमें देखने को मिल जाए जल्द से जल्द। तो ट्रॉन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चार्ट में अगर आपको दिखाऊँ 71 सेंट में अभी अवेलेबल है। मार्केट जो है करीब करीब 10% 12% बिटवीन से गिरा है, बट ये सिर्फ 6.19% हम देखा है, तो बाकियों के मुकाबले थोड़ा कम गिरा है। तो कुछ ना कुछ तो है रीज़न। और नंबर वन पे मतलब इसको तो रखना ही पड़ेगा नंबर वन पे, कि कोई हर तरफ इसी के चर्चे हो रहे हैं इस टाइम पे। पॉलीगन और मैटिक, जो पहले था पॉलीगन, नाम चेंज हुआ, जब से इन्होंने नाम चेंज करा है पता नहीं आतंक ही मचा दिया मार्केट में। तो पॉलीगन के बारे में खैर तारीफ तो मैं क्या ही करूँ पॉलीगन की। पिछले कुछ दिनों में पॉलीगन ने ऐसी तेज़ी दिखाई है, मतलब ऐसे काम इन्होंने कुछ करे जिससे इनकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा हमने इम्पेक्ट देखा। और मतलब इनका जो बेसिकली, अगर जिन लोगों नहीं पता उसके बारे में बता देता हूँ, इथेरियम वगैरह पे हमने देखा कि कितनी कितनी एक तो स्लो ट्रांजेक्शन होती है, ऊपर से पैसे इतने ज़्यादा लगते हैं, और बीच में ये जो गैस फीस थी वो इतनी ज़्यादा पहुँच गई थी, $10 से लेकर $100 तक भी लगने लगी थी। तो इथेरियम पे जो फीस वगैरह लगती थी इथेरियम ब्लॉकचेन पे, तो पॉलीगन ने क्या करा है कि इन्होंने एक मल्टी चेन इकोसिस्टम बना दिया है। और इस पे इथेरियम की जो, इस पे अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको जो मैटिक कॉइन है उनमें ट्रांजेक्शन गैस फीस लगेगी और बहुत ही मिनिमल अमाउंट लगेगी आपकी।
और मतलब बेसिकली इनका जो सीन था, इन्होंने जितनी भी प्रॉब्लम थी इथेरियम ब्लॉकचेन पे वो ऑलमोस्ट सारी से मतलब सॉल्व करने के पर्पस से ही उतरे हैं। और ये सारी चीज़ें थी बाकी इनकी। देखो कुछ ना कुछ कोलेब्रेशन, कोई ना कोई आए दिन हम देखते हैं किसी ना किसी नेटवर्क को कोई ना कोई इनकी ब्लॉकचेन पे बिल्ड हो रहा है, इनके साथ टाइप कर रहा है। तो डेफिनेटली पॉलीगन यहाँ से एक अच्छी बाइंग हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये ऑलरेडी देख सकते हैं कॉइन बेस, बाइनेंस एंड वेंचर्स 24, इनके जो है इनसे बैक्ड बाई इनका सबके सपोर्ट है मैटिक के साथ। तो आप सोच सकते हैं बाइनेंस कॉइन बेस ये दुनिया के बड़े एक्सचेंजेस में से हैं, और इनकी टीम भी बहुत सॉलिड है। इनके बारे में अगर आप देख सकते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में पहले भी काम कर चुके हैं, जैसे कि देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिटपे में थे, और अब पीट के हेड ऑफ इंजीनियरिंग वॉलेट एट कॉइन बेस में थे पहले, और एरी मिलिच प्रोजेक्ट लीडर डिसेंट्रलैंड माना जिसे बोला जाता है अभी। तो आप मैटिक एक अच्छी बाइक मतलब नंबर वन पे रखने का बहुत सारे ये सारे फीचर्स जो मतलब कमाल ही कर रखा है इस टाइम पे मैटिक ने। और अभी भी कुछ टाइम पहले भी हमने देखा था जब बिटकॉइन क्रैश हुआ था 10-15%, मगर ये इतना क्रैश नहीं हुआ था, 2-4% का ही गिरावट आई थी। खैर इस टाइम पे 10% नीचे मिल रहा है आपको, बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा, शायद थोड़ा बहुत नीचे और आने का हम वेट कर सकते हैं। और अगर अभी पार्ट्स में बिल्कुल अक्यूमुलेट कर सकते हैं, आपके पास यूएसडीटी पड़ा है तो बिल्कुल डाल दीजिए, और उसके बाद आप थोड़ा वेट कीजिए अगर नीचे आता प्राइस, तो और आपको पार्ट्स में 2 या 3 पार्ट्स में बाय कर सकते हैं। तो आई होप मैंने जो है काफ़ी चीज़ें आपको बता दी होंगी, हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हों, कुछ तारीफ के अलावा शायद कुछ बेकार बातें हों वो मैंने आपको ना बताई हों, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 कॉइन जो मेरी टॉप पिक थी बेकार कॉइन के मुकाबले, मैंने 5 इसलिए चुने थे क्योंकि इनमें एक अच्छा स्कोप हम देख सकते हैं, इनकी जो टीम बहुत सॉलिड है, इनके प्रोजेक्ट्स की कोलेबोरेशन बहुत अच्छी है, ट्विटर पे हमेशा एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट निकालते रहते हैं, और इन हर कॉइन का एक पर्पस है, एक फंडामेंटल रीज़न है जिस वजह से ये कॉइन पम्प हो सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से इन 5 कॉइन का एनालिसिस, और अगर आप ऐसी ही और वीडियोज़ चाहते हैं मुझे कमेंट कर कर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ सजेशन है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं काफ़ी सारी अपडेट्स देता रहता हूँ, और मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।